हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा जो स्पीकर है वो दूसरों के मुकाबले जल्दी क्यों जल जाता है, और हमें कितने वॉट के स्पीकर के साथ कितने वॉट का एम्पलीफायर कनेक्ट करना होता है और कितना करना चाहिए, और फ्रेंड हमें जो स्पीकर में वायर है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं बात करूँ कि जो इसके सीरीज वायरिंग क्या होती है और पैरेलल वायरिंग क्या होती है, और मैं आज फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, और जो भी कमेंट है वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और हो सके आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि जो हमारी जो सीरीज वायरिंग क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले सीरीज वायरिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको सीरीज वायरिंग बता देता हूं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारे जो दो स्पीकर हैं वो 150 वाट के हैं और 8 ओम के हैं, और ये भी 150 वाट का है और 8 ओम का है। तो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैंने नेगेटिव पॉइंट को एम्पलीफायर से एक तार को निकाल दिया एम्पलीफायर के लिए, और दूसरा जो पॉइंट है प्लस वाला टर्मिनल उसको मैंने एक वायर ले जाके और मैंने इस नेगेटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट था वो मैंने एम्पलीफायर के लिए छोड़ दिया है। तो हमारे ये जो तार बचे एक्सटर्नल वाले, ये हमारे एम्पलीफायर से कनेक्ट होंगे, और जो हमारे जो 150 वाट का, ये 150 वाट के जो स्पीकर हैं ये हमारे हुए 300 वाट के स्पीकर, और जो हमारा ये 8 ओम का जो स्पीकर है ये हमारा हो गया 16 ओम का, मतलब ये 16 ओम पर अब काम करेंगे और हमको 300 वाट का आउटपुट देंगे। और अब हम बात करते हैं पैरेलल वायरिंग की। ये तो हो गई सीरीज वायरिंग, अब हम बात करेंगे पैरेलल वायरिंग क्या होती है। तो फ्रेंड, अब मैं आप बात करूँ ये पैरेलल वायरिंग की। तो पैरेलल वायरिंग क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये नेगेटिव पॉइंट था, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट था। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है वो जाएगा हमारे नेगेटिव पॉइंट से, और जो हमारा ये पॉजिटिव पॉइंट है वो जाएगा हमारे पॉजिटिव पॉइंट से, और जो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट के लिए यहीं से बाहर निकलेंगे एम्पलीफायर के लिए ये तार। तो ये हमारा जो स्पीकर है ये हो गया पैरेलल वायरिंग। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा 150 वाट का, ये भी 150 वाट का यानी कि 300 वाट की, और ये हमारा 8 ओम का और ये 8 ओम का। तो अब पहले तो ये सीरीज वायरिंग में थे 16 ओम की, लेकिन अब इसमें जो 8 ओम है वो अब हो जाएंगे 4, मतलब 4 ओम की, और ये हमारे पैरेलल में हो जाएंगे 4 ओम की, और अब ये हमारे स्पीकर जो हैं 300 वाट के स्पीकर आउटपुट देंगे और 4 ओम पर काम करेंगे। ये हो गई हमारी पैरेलल वायरिंग, ठीक है। अब नंबर 2, अब बात करें हम वायर की। तो वायर कौन सा यूज करना चाहिए, तो वायर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर ये अभी वायर जो लगाए हुए हैं ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हुए हैं, आपको कम से कम स्पीकर में जो हमारे 200 वाट 300 वाट के जो स्पीकर होते हैं उनमें कम से कम आपको 1 mm से लेकर 1.5 mm और या उससे ऊपर के तार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पीकर जो अच्छे काम करेंगे और हमारे तार जो कभी कभी फॉल्ट हो जाते हैं वो जल्दी फॉल्ट भी नहीं होंगे, और जो हमारे जो इससे नीचे वाले हैं 0.75 mm और ये 0.50 mm, तो ये हमारे जो हैं ये चलने के इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं। तो फ्रेंड, अब बात आती है तीसरे पॉइंट की कि हमारे जो स्पीकर कितने वॉट के स्पीकर को कितने वॉट के एम्पलीफायर के साथ चलाना चाहिए। तो मान लो आपके पास एक 500 वॉट की एम्पलीफायर है जो कि हमको 600 वॉट का आउटपुट देती है या 650 वॉट का आउटपुट देती है, ठीक है। तो उस पर ये मान लो हमारे जो स्पीकर हैं 150 वॉट के, ठीक है, तो ठीक है, और 150 मतलब 300 वॉट, और
दो और स्पीकर हम इस पर लगाएं, ठीक है, दो स्पीकर, तो हमारे ये चार स्पीकर 600 वाट के हो जाएंगे और आउटपुट हमारा है 650 वाट का। इस पर एक 100 वाट का स्पीकर और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि अगर हम इस पर मान लो एक एक तो हमने 150 वाट के चार स्पीकर कनेक्ट कर दिए और मैंने अलग से एक स्पीकर को और लगा दिया जो कि 100 वाट का है, ठीक है, तो ये हमारी 700 वाट आउटपुट हो गई। लेकिन एम्पलीफायर इसको चला तो देगी लेकिन जो हमारा स्पीकर है वो उसकी जो क्वाइल होती है मशीन उसको डैमेज कर देगी, क्योंकि जो हमारी एम्पलीफायर है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगी जितना स्पीकर को चाहिए होगा। तो जो हमारी ये क्वाइल होती है वो हमारी जो आधी क्वाइल डैमेज कर जाएगी और आधी हमारी सही बनी रहेगी, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ कि स्पीकर को कितने वॉट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो एम्पलीफायर होती है मान लो 500 वाट की थी, ठीक है, तो उस पर आप जो 300 वाट 600 वाट का आउटपुट है, ठीक है, तो आप इस पर चार स्पीकर अच्छे से चला सकते हैं, मतलब 600 वाट का आराम से आउटपुट और आपके स्पीकर भी बढ़िया चलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जितने वाट की एम्पलीफायर है, चाहे 250 वाट की हो, चाहे 500 वाट की हो और चाहे 1000 वाट की हो, ठीक है, तो आप उस पर 10 या 15% कम ही पर उसको चलाएं, कम ही वाट पर चलाएं उसको, जो उसकी कैपेसिटी है एम्पलीफायर की उससे 10% कम ही वाट के स्पीकर चलाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्पीकर हैं वो अच्छे भी बजेंगे और जल्दी फूकेंगे भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ टाइम तक कोई स्पीकर चलने वाला है नहीं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रश्न हो या क्वेश्चन हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी और वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ टैक्स रिलेटिव। और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, एम्पलीफायर से, मोबाइल से, मतलब टैक्स रिलेटिव हर तरीके की वीडियो।